दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, पायलग। आज दिखा रहा मैं आप लोगों को हमारा पहाड़ चैनल के अंदर पहाड़ जो ब्लॉग मैं बनाता नहीं था जो पहाड़ों का, क्योंकि मैं उस टाइम पे कर्नाटक में था तो लगातार कर्नाटक की वीडियो बनाता था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पहाड़ों में पहाड़ किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर कुछ थे मेरे को कई बार मिले भी हैं, बोला आप हमारा पहाड़ करके चैनल बना रखा, आपने कभी पहाड़ तो दिखा ही नहीं, क्योंकि वो ज़्यादातर लड़के बेंगलोर और कर्नाटक के थे। तो यह दोस्तों ये हमारे गौशाला के पास है और ये सामने आपको दिखाई दे रही है हमारी खेती इधर, और इस वाले पोर्शन में यहाँ भी छाया है तो यहाँ भी ये खेती है। और पहाड़ों में इस प्रकार से छोटे छोटे खेत होते हैं। हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ हमारी भैंस, ये हमारी भैंस है जो कि 24 घंटा मारने की ताक में रहती है, बार बार फों 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 फों। ये रास्ता जाता है दूसरे गांव के लिए रास्ता भी नहीं है, ये नॉर्मली बना रखा रास्ता या नीचे से है, ये रास्ता आपको नीचे दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से हम मार्केट वगैरह आपको नीचे दिखाई दे रहा, और ब्लॉग में वीडियो में काफ़ी दूर दिखाई दे रहा जबकि ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर है और आने जाने के लिए ठीक है, पूरी रास्ते बने हुए हैं। तो सामने की तरफ दिख रहा आपको नदी है, गंगा नदी नीचे दिखाई दे रही होगी आपको, अभी दिखा देता हूँ आपको, ये गंगा नदी है और ये सिस्टर बैठी हुई है और माता श्री बैठी हुई हैं, और साथ ही साथ ये भी ब्लॉगर है तो इसकी भी आईडी मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिसको मैं फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, लगातार मेरी जानकारी कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मेरे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। माँ गई थी यहाँ नीचे घास लेने, आ तो गई घास लेके, घास काट के रखा। और जो नीचे दिख रहा है ये नाला है, ये नीचे जो नाला है बचपन में इसमें बहुत नहाने गए थे, और अभी आजकल सुना क्योंकि सर्दी है पानी बहुत ठंडा है तो आजकल कम ही जाते लोग, घास घूस के लिए जाते हैं, लेकिन गर्मियों में हम इधर ही पड़े रहते थे जब बचपन में, पूरा यहाँ नहाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और प्लेन एरिया में देखो तो इन जगहों के भी पैसे लगते हैं, हमारे यहाँ कुदरत ने फ्री फोकट का दे रखा, पर नहाओ जितना मर्जी नहाना। बाकी आगे की तरफ देखो तो सूरज इस तरफ से निकलता हमारा, और ये अभी जनवरी के महीने से इन एरियों में पूरा बर्फ़ पड़ने बैठ जाएगा, जो ये दिखाई दे रहे हैं सामने इनमें पूरा बर्फ़ पड़ेगा, तकरीबन फिर 1 महीना पूरा इनमें बर्फ़ रहता है। और उधर भी घर हैं देख सकते हैं, डाले मैं तो यहाँ पे ये आम का पेड़ है हमारा, आम का पेड़ एक ही है और इतने आम होते हैं कि उस टाइम पर सीजन में बंदर पूरे इन्हीं पेड़ों पे बैठे रहते हैं, गांव की तरफ कम ही आते हैं जब तक आम है। और बहुत ही बड़े आम, मतलब मीठा बहुत ज़्यादा, और जब आते हैं तो फिर उस दौरान पत्थर पत्थर से डरा उनको तो पेड़ को हिला करके कुछ आम वो नीचे गिरा देते हैं जो कि हमारे। और यहाँ पर अमरूद का पेड़ जिस पर भी कुछ दिन पहले अमरूद थे तो बंदरों ने उनको भी चट कर गया, पूरा ये मैं भी गौशाला में कोई आ रहा उधर से, जो थे वो जान पहचान वाले थे तो। और अभी ये जंगल के बीच में रास्ता नहीं है, ये जंगल के बीच नहीं हमारा रास्ता है, इस पर भी उन्होंने गांव वालों ने वो सोलर लाइटें लगा रखी ताकि रात को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे दिख रही है आपको एक ही है और एक आगे है, रास्ते पूरे गांव के अंदर पक्के रास्ते, सीमेंटेड रास्ते बने हुए हैं। तो अभी बोल रहे थे इन पर इंटरलॉक ईंटें भी पड़ेंगी। गांव के अंदर बहुत ही अच्छा माहौल है और साफ़ सुथरा माहौल, तो मैं जाता हूँ इनके पास नीचे और अपने ब्लॉक को भी यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। पानी आ रहा क्या? हाँ पानी तो चल रहा है।
पानी की कोई कमी नहीं है गांव के अंदर हमारे, पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं। ये दोनों के दोनों बैठ करके ना अब दिन भर के अपनी गप्पे लगाएंगे, किसने क्या किया, किसने क्या किया, मैंने कॉलेज में क्या किया। वो कॉलेज की गप लगाएगी कि अपने खेत और घास की गप लगाएगी। तो चलो दोस्तों ब्लॉग को भी क्या ब्रेक करते हैं। ओके, राम राम।